हालेलुया। अब एक वचन निकालेंगे इफिसियो 6। आप जानते सेवा क्या है, उसका 10-12 हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। आज सचमुच प्रभु कहता है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। कोई शैतान किसी भी मसीह को नाश नहीं कर सकता, उसके पास इतनी पावर नहीं है। आज हमारी प्रॉब्लम है अज्ञानता। मैं आपको जितने भी पासवान हैं, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकती, लेकिन पवित्र आत्मा आपको हर समय गाइड करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए हमें अपना आत्मा दिया ताकि हो सकता है अभी आप वचन सुन रहे, कुछ सीखे, लेकिन कल को फिर एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं क्या करूं। अगर हमारा संबंध पवित्र आत्मा से होगा तो पवित्र आत्मा उसी समय बताएगा कि तुझे क्या करना है। और जैसे बाइबल में लिखा है, जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो एक जगह पे पवित्र आत्मा ने उसे जाने से रोका। जब वो एशिया में जा रहा था उसने बोला नहीं। तो पवित्र आत्मा के साथ जो हमारा रिलेशन है वो इतना स्ट्रांग हो कि जब भी हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने वाले कान हमारे पास हों। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज मुर्दों में से जी उठ के दे सहित पिता के दाहिने बैठा है। हालेलुया। आज इस धरती पर काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। आज हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। यीशु देह के रूप में आज पिता के दाहिने बैठा है और बहुत जल्द वो देह सहित हमारे बीच में होगा, हमें लेने के लिए वो आ रहा है। लेकिन इस समय कलीसिया में हमारे जीवन में जो काम कर रहा है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिलेशन हमारा बहुत ज़रूरत है इस अंतिम समय में होना। और प्रभु चाहता है आज हम जैसे इस वचन को पढ़ रहे हैं, इफिसियों 6 में लिखा है, इसलिए प्रभु में, किस में? प्रभु में। यहाँ पे नहीं लिखा पावर में, धन में, हाँ यहाँ पे लिखा प्रभु में और उसकी शक्ति में, उसकी सामर्थ में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। प्रभु कहता है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, किसी और लोगों से नहीं, किसी मनुष्य से हमारा युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध है अंधकार की शक्तियों से और उसमें कैटेगरी है, रैंक है। यहाँ पे क्या लिखा? 4 तरह के रैंक लिखे हैं डीमन के, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं
परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और हाकिमों से और दुष्टता की सेनाओं से है जो आकाश में है। आज मसीह लोगों का दुश्मन कौन है? शैतान। प्रभु कहता है तुम एक युद्ध में हो। जब आप इस धरती पर हो, आप एक युद्ध में हो, और आपका युद्ध किसी मनुष्य से नहीं। पास्टर आपका दुश्मन नहीं है, कलीसिया आपकी दुश्मन नहीं है, अन्य जाति लोग हमारे दुश्मन नहीं है। उनको बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हमारा दुश्मन कौन है? ये अंधकार की शक्तियां। हमारा दुश्मन कौन है जिसने पहले आदम को पाप में डाला? आपको याद रखना है, एक ज्योति है और एक अंधकार है। एक ज्योति का राज्य है, उसका किंगडम है, और एक अंधकार का किंगडम है। अंधकार के किंगडम को भी कोई चला रहा है और ज्योति के किंगडम को भी परमेश्वर चला रहा है। और आज ये किंगडम क्या कर रहा है, अंधकार का राज्य क्या कर रहा है? लोगों के जीवन में काम कर रहा है। और परमेश्वर ने इनसे लड़ने के लिए किसको सामर्थ्य दी है? अब पढ़ेंगे एक वचन, कुलुसियों निकालेंगे 1:15। वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। देखिए उसी में, याद रखिए, यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर कहता है सारी प्रधानताएं, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी में सिर्जी गई और उसी के लिए है। हालेलुया। और आज वो कहाँ है? यीशु ने ये सारे अधिकार, प्रधानताएं, प्रभुताएं, ये सब किसको दिया? लिखा है वो कलीसिया का सिर है, तो वो उसकी देह के पास ये सारे अधिकार है। हालेलुया। सिर्फ हमें जानना है और उन्हें एक्टिवेट करना है। आज हम अपनी प्रॉब्लम के लिए रोते रहते हैं, हाय मैं बीमार हो गया, मेरा लीवर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको जानना है कि हर एक चीज के पीछे एक डिमोनिक पावर है जो आपकी लाइफ में काम कर रही है, और आपको एक पास सामर्थ है। जैसे एक व्यक्ति सामने आ गया है, आपके पास बंदूक है, लेकिन फिर भी आप मर गए, हाँ, क्योंकि आपको चलानी नहीं आती। ऐसा ही कुछ आज मसीहों के साथ हो रहा है। डिमोनिक वर्ल्ड आप देखो कितना पावरफुल काम कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा? जादू टोना वालों को देखो, पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं, हाँ, ये रियल है जादू टोना, ये नहीं है कि नहीं है, वो है। अंधकार है, अंधकार के काम है, अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। हमने देखा कल कैसे दुष्ट आत्माओं को वो खेल रही थी, वो भाई वस्त्र उतार के, क्या है वो, डीमन ने कंट्रोल किया उसकी लाइफ को। आज हम मसीह लोग बस बस दुआ कर लो खाने के लिए, दुआ कर लो सोने के लिए, दुआ कर लो बस। जब तक आप एक फाइटर नहीं बनेंगे, आप एक योद्धा हैं, और आपको इनके खिलाफ प्रभु कहता है, इसीलिए उसने हमें आत्मिक हथियार दिए। आप जानते हैं जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो यही दुष्ट का आत्मा था जो आपको और मुझे चलाता था। बाइबल में लिखा है इफिसियों को ही अगर हम एक पढ़े, उसका दूसरा चैप्टर, उसका 1:2,
उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा नाम मानने वालों में कार्य करता है। आज भी जो आज्ञा नाम मानने वालों में कार्य करता है, आज भी दुष्ट आत्मा किन लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, किन मसीहों के जीवन में कार्य कर रहा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। हम जब प्रभु में नहीं थे, हम अपनी चीजों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने रीति रिवाजों के लिए इतने कमिटेड थे कि कोई चीज इधर से उधर नहीं होती थी। सुबह 4 बजे उठना है, उठना ही है। ठंडे पानी से नहाना है तो नहाना ही है। इतने कमिटेड थे हम लोग। लेकिन जब मैं मसीहत में आई तो मैंने सचमुच ये चीज देखी कि जो डेडिकेशन लोगों की, बाहर वाले लोगों की होती है, वो मसीहों की नहीं होती। वो सेवा, वो चीजें, पूरी पूरी रात मैंने एक ही चीज बोली, नहीं 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 प्रभु, इससे ज्यादा। प्रभु ने कहा जब तक तुम्हारी धार्मिकता सद्दूकी और फरीसियों से अधिक ना हो तो मेरे योग्य नहीं। हम तो जो नॉर्मल आज्ञाएं हैं उनको करने में भी सोचते हैं, चर्च जाना जाए कि ना जाए, छोड़ परे फिर चले जाएंगे, दशमांश दे के ना दे रहने दो। छोटी छोटी आज्ञाओं के लिए हमें सोचना पड़ता है। और आप देखो संसार के लोग, आपको याद रखना, इसीलिए अंधकार तुम पे प्रबल होता है क्योंकि तुम अपनी सामर्थ्य में खड़े नहीं हो। हमारी चर्च जब शुरू हुआ, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे अलग चाहिए, मुझे वो 2 घंटे तसल्ली नहीं होती थी, 2 घंटे में तो ऐसा लगता था आत्मा ही जागृत हुई है। मैंने बोला परमेश्वर मुझे वो चर्च चाहिए जो 24 घंटे खुला रहे और दिन और रात वहां पे दुआ बंदगी होती रहे। और मुझे प्रभु सिटी में नहीं, मुझे ऐसी जगह जंगल में देना जहां पे कोई रुकावट भी ना हो। और सचमुच प्रभु ने जंगलों में हमने जगह खरीदी वहां पर, और उसके बाद प्रभु छोटी पड़ गई। फिर परमेश्वर ने हमें तकरीबन 12 एकड़ लैंड खेतों में हम लोग गए और आज वहां पर 24 घंटे प्रार्थना होती है बिना रुके, 24 घंटे कॉल सेंटर, 24 घंटे घुटने टिके हुए हैं। परमेश्वर मुझे वो आग चाहिए प्रभु। और जब वहां पे लोग प्रार्थना करने आते हैं, स्वर्ग खुला हुआ मिलता है उनको, आंखों से दूतों को देखती है, अपनी आंखों से स्वर्गीय रैलम्स को देखती है। आज हमारी आत्मिकता मर चुकी है। हम कहने नामधारी आत्मिक है बस, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज प्रभु चाहता है हमारी आत्माएं जागृत हो, हम अपने आप को पहचाने, हम मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं। अंधकार आपसे डरता है, मत बोलो शैतान ने ऐसा किया। शैतान कहता मेरे पास कौन सी पावर है, तुम्हारे पास जो पावर है उससे मैं कांपता हूं, मेरा पूरा किंगडम कांपता है, तुम कहते हो मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि आपको फेथ है, शैतान आपकी जाइब पे काम कर सकता है तो वो करता है। हालेलुया। आपको विश्वास है कि आपके ऊपर जादू टोना चलता है तो चलता है। मैं बोला पूरी दुनिया के तांत्रिक इकट्ठे करके मेरे ऊपर जादू टोना करके दिखाओ, मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे पता है मेरे साथ कौन रहता है। हालेलुया। क्योंकि आपका फेथ, जब आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओगे, अपनी पहचान में बढ़ते जाओगे। आज परमेश्वर ने वो सारी अथॉरिटी कलीसिया को दे दी है, उसने आत्मिक हथियार हमें दिए, उसने कहा लड़ो। जब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से निकाला,
प्रभु ने अपनी सामर्थ का इस्तेमाल किया उस उन्हें निकालने के लिए, पर जब कनान देना था तो प्रभु ने कहा तुम लड़ो जाके और कनान ले लो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब हमें संसार से निकाला, हमें दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से चंगा किया, प्रभु ने अपनी सामर्थ को इस्तेमाल किया हमें मिस्र से निकालने के लिए। और प्रभु ने अब जब कनान में जाना है, प्रभु कहता है अब मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ, जाओ और खुद भी उसे लड़ो और जीतो। प्रभु ने ये नहीं दरवाजा खोल दिया, आ जाओ मेरे बच्चों कनान में। प्रभु ने लड़ना सिखाया अपने लोगों को। वो अनाकवंशी थे, पूरे 20-20 फुट के, जिनके सामने इजरायली टिड्डे के समान दिखाई देते थे, और परमेश्वर ने कहा जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। आज भी परमेश्वर कहता है तुम लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारे हथियार दिखने वाले हथियार नहीं है हमारे पास, लेकिन जो हमारे हथियार हैं वो आत्मिक है और वो गणों को ढा देने में सामर्थ्य है। आमीन। जब एक मसीह व्यक्ति अपने घुटनों पे आ जाता है, मैंने बोला स्वर्ग पूरा उसे देखना शुरू कर देता है। हालेलुया। आज संसार ने, शैतान ने हमारे परमेश्वर के सिस्टम को कॉपी कर लिया है और वो चला रहा है उस सिस्टम को, उस लॉ में काम करके वो जीत रहा है। और हम जो परमेश्वर की संतानें हैं, अज्ञानता के कारण आज नाश हो रहे हैं। आज परमेश्वर, प्रभु तो पावरफुल है पर उसके बच्चे का कैसे है? पूरी पूरी रात प्रार्थनाओं में पावर क्यों नहीं आएगी, सामर्थ क्यों नहीं? आज आप जानते हैं परमेश्वर ने अपने अधिकार कलीसिया को दे दिए हैं और वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है। यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने वो सामर्थ को चेलों पे फूंक दिया। उसने कहा लो पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक जो यीशु के ऊपर था वो चेलों के ऊपर चला गया। आगे चेलों ने चेले बनाए और वही अभिषेक में वो लोग काम करते रहे। और यीशु की सेवकाई क्या थी? उसने कहा वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, बीमारों को चंगा करता था और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता था। हालेलुया। आज संसार को कौन छुड़ाएगा? संसार उस दुष्ट के बंधनों में है, कौन उसे निकालेगा? प्रभु ने वो अधिकार आपको और मुझे दिए, प्रभु के सेवकों को प्रभु ने वो अधिकार दिए हैं। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं शुरुआत के दौर में एक कलीसिया में जाती थी, और मैं नाम नहीं लूंगी, और वहां पर प्रार्थना होती थी 12:30 बजे, 12 बजे चर्च खत्म हो जाता था, और मैंने कभी प्रभु के उन कामों को नहीं देखा था। जब मैं बाइबल पढ़ती थी तो मैंने बोला प्रभु ये सब चीजें और अब क्यों नहीं होता ऐसा? वहां पर एक लड़की आई, उस लड़की के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी और उसने कुर्सियां उठा के सब फेंक दिया। और जब भी वो लड़की आती बहुत हल्ला करती थी, और थोड़े दिनों बाद उस लड़की को चर्च से निकाल दिया गया और सारी कलीसिया को बोल दिया उसके साथ कोई संबंध ना रखे, और उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया कि ये लड़की वेश्यावृत्ति करती है या गलत काम करती है, तो इससे कलीसिया को दूर रहना है। मेरा हृदय टूट गया, मैं रोने लगी। मैंने बोला उसको प्रभु मदद चाहिए थी, तो क्या हुआ वो पापी है, तू भी तो वेश्याओं के पास जाता था। प्रभु उसको पाप वाली मदद भी चाहिए थी और दुष्ट आत्मा की निकलने की भी मदद चाहिए थी, लेकिन उस व्यक्ति को दोषी ठहरा के कलीसिया से निकाल दिया गया। मेरा हार्ट टूट गया। मैंने कहा प्रभु तू कुछ कर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। प्रभु मुझे वही चर्च चाहिए जो तू काम करता था, जैसे
हृदय में पेन से भर गया। ऐसे बहुत सारी चीजें में जब मैंने देखी, मैंने कहा प्रभु मुझे फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया चाहिए, प्रभु मुझे बीच की कोई नहीं, प्रभु मुझे वही कलीसिया चाहिए जहां पे तेरे चेले प्रभु तेरी रीति से काम करते थे परमेश्वर, और मुझे वही करना है। और पहले दिन मैं आपको सच बता रही हूं, मुझे सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। फर्स्ट डे जब प्रभु ने कहा क्या करूं प्रभु ये कर, एक व्यक्ति चर्च में आया पैरालिसिस का रोगी, फर्स्ट व्यक्ति, कोई क्रिश्चियन नहीं था मेरे चर्च में, आज भी नहीं है। सब अन्य जाति लोगों से परमेश्वर ने लोगों को लेकर आया प्रभु, एक व्यक्ति प्रभु ने उसे हील किया। दूसरा आया, दुष्ट आत्माएं फर्स्ट डे से, पहले दिन से इतने बड़े बड़ी दुष्ट आत्माएं ब्लड निकाल देती थी लोगों की, और मैं अकेली थी, कोई टीम नहीं, कोई कुछ नहीं, फर्स्ट डे से। पर मुझे इतना पता था कि प्रभु ने नियुक्त कर दिया है उन कामों को करने के लिए। हालेलुया, आमेन। मुझे याद नहीं लाखों करोड़ों दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकाल चुके हैं, लाखों लोग हील हो चुके हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने पिछले साल मुझे बोला ये सामर्थ पूरे इंडिया में सभी पास्टर के ऊपर तू रिलीज करेगी। हालेलुया। और मुझे दया आती थी, मैंने बोला ठीक है प्रभु यहाँ तो काम हो रहा है, महाराष्ट्र भी है, वहां भी है, सब लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं, परमेश्वर तू वहां पे खड़े कर। प्रभु ने कहा तू जा और यही सामर्थ जो तेरे अंदर है फूक के आ, आज वो काम उन कलीसियाओं में होंगे। और ऐसा ही हुआ। जब हम गुजरात में गए, भाई बोला जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग कराई, बोले हमारी चर्च 12 बजे खत्म हो जाती थी, कहते जिस संडे हम लोग वापस आए, बोले उस संडे हमारे लोग आत्मा में भर गए और 3 बजे तक अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं, किसी को होश नहीं है, आत्मा की बेदारी उन जगहों पर आ गई। हालेलुया, आमेन। बोले 3:30 बज गए, चर्च बंद करने कोई नहीं हो रहा, आज छोटे छोटे बच्चे आत्मा में भर के अन्य भाषा बोल रहे हैं, और वो बेदारी आज लोग आत्मिक भूखे और प्यासे हो गए। अब एक और, जब हम बैतलात में गए, ये भाई वहीं से है, वो जिस ऑर्गेनाइजर ने वो मीटिंग करवाई थी, एक मीटिंग ली अन्य जातियों की, उन्होंने लास्ट डे हमने सब के सब चेंज हुए वहां पर। Jesus. और एक ऐसी बेदारी, बोले प्रार्थना नहीं कर पाते थे हम, बोले अभी 1 साल से ज्यादा हो चुका है, बोले कंटिन्यू हमारे प्रेयर चल रही है। Amen. रोज हमारे घर में प्रेयर शुरू हो गई, बोले सारे मन मुटाव दूर हो गए, अब परमेश्वर ऐसी सामर्थ। और उस मीटिंग में जितनी भी संस्थाएं के लोग थे, कैथलिक, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, हर संस्था के लोग उस जगह पे आए हुए थे, और सबके ऊपर पवित्र आत्मा का फ्लो आया। आमेन। अब टाइम है पवित्र आत्मा का, अब टाइम है पवित्र आत्मा के काम का। वही फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया अब दोबारा से परमेश्वर, प्रभु ने क्या बोला था, जैसे मैं छोड़ के गया था उसी कलीसिया को मैं लेने आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वही कलीसिया जो पवित्र आत्मा से भरी हुई है, जो प्रार्थना में लोलीन है, जो परमेश्वर के कामों के लिए उत्साहित है, जो परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार है, प्रभु उसी कलीसिया को लेने दोबारा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बेदारी पवित्र आत्मा की अब पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर लेके आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप देखेंगे आने वाले दिनों में हजारों जवान खड़े होंगे परमेश्वर के कामों के लिए। हमें डर नहीं, काम आप सोचो एक ही व्यक्ति कार्य कैसे कर सकता है। जब आप उस सामर्थ को दूसरे को दोगे, फिर वो दूसरे के ऊपर पास जाएगी, परमेश्वर का काम बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आज
हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। प्रभु आज कह रहा है, एक वचन और निकालेंगे, यूहन्ना 14 उसका 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। हमारे आई लव यू जीसस कहने से आई लव यू नहीं हो जाता, मुंह से बोलने से, गाना गाने से नहीं हो जाता सिर्फ। फिर आप अपने शरीर को रोज मारते कूटते हो और वश में लेके आते हो कि दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मे ना ठहरो। आपको पता है क्या करना है, फिर आप अपनी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलते। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है और मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आप जानते हैं जितना आप चाहते हैं ना यीशु को देखना, उससे ज्यादा वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है आपके ऊपर। लेकिन कब प्रकट करेगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आज हमारा व्यभिचार हमसे छूटता नहीं, हम यीशु का दर्शन पाना चाहते हैं। गंदी मूवी देख रहे हैं और इन्हीं आंखों से यीशु को देखना चाहते हैं। पाप हमसे छूटता नहीं है और हम कहते हैं प्रभु अलौकिक चाहिए, तो इस शरीर को आपको अपने आप को शुद्ध करना है। प्रभु की आज्ञाओं को 23 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हमेशा रहेंगे हम उसके साथ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आपको सोचना नहीं पड़ता। मैंने अपने जीवन में एक ही असूल बनाया, कोई मेरे बारे में क्या सोचे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है। मेरा ध्यान इसी में रहता है, प्रभु तेरी आज्ञाओं में चल रहे हैं। एक ही चीज खुद सीखी और अपने बच्चों को सिखाई, अपनी कलीसिया को सिखाई, किसी की परवाह मत करो, उसकी परवाह करो। अगर फर्क पड़ना चाहिए तुम्हें तो परमेश्वर तुमसे खुश है, प्रभु को तुम्हारा जीवन भाता है कि नहीं भाता। हालेलुया। आज पूरी दुनिया को मनाने में लगे हुए हैं और परमेश्वर हमसे रूठा हुआ है। आज परमेश्वर चाहता है प्रभु को भाने वाला जीवन। सिर्फ नामधारी हमें मसीह नहीं बनना। क्या प्रभु मुझसे खुश है? बाइबल कहती है परमेश्वर अपनों को पहचानता है। अंधकार एक शक्ति है, इसलिए हमें परमेश्वर की शक्ति में बलवंत होना है, तभी हम अंधकार से लड़ सकते हैं। आज हर मसीह, हर सेवक एक युद्ध में है। आप विश्वास करें या ना करें, ये पूरे संसार का जो सिस्टम है उसे शैतान ने कंट्रोल किया हुआ है, और हम जब इस दुनिया में रह रहे हैं तो ये सारा सिस्टम, सारी चीजें आपके विरोध में है कि नहीं? कौन आपके साथ है संसार में? बोलो, संसार का सिस्टम, संसार की सरकार है, संसार की कौन सी चीज हमारे साथ एग्री होती है? कोई नहीं। संसार का लॉ, आपके इसके साथ कोई एग्री नहीं होता। इसके साथ सिर्फ परमेश्वर की आत्मा में चलने वाले लोग एग्री होंगे। इसलिए प्रभु ने कहा संसार तुम्हारा नहीं है। संसार का लॉ कहता है बच्चा गिरा दो, प्रभु का लॉ कहता है ये हत्या है। मैं बता रही थी, मैंने आज का लॉ क्या बन गया है, लड़की की उम्र कर दो 21 साल शादी की, और 16 साल की लड़की रिलेशन में जा सकती है और बच्चा गिरा सकती है।
ये दुनिया का लॉ बन गया है, कौन सा मानोगे बोलो? अगर तुम खुदा के बंदे हो तो तुम कौन से लॉ को फॉलो करोगे? परमेश्वर के लॉ को फॉलो करोगे। परमेश्वर ने एक औरत एक आदमी बनाया शादी के लिए। आज लड़की लड़की शादी हो रही है, लड़के लड़के शादी हो रहे हैं और लीगल सरकार उनको बोल रही है हम हेल्प करेंगे तुम्हारी। कौन से लॉ को मानोगे? संसार का सिस्टम कभी आपके साथ एग्री हो ही नहीं सकता। इसलिए याद रखिए, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर का लॉ पे हमें बना रहना, उसके कानून उसके नियम आपके लिए और मेरे लिए हैं, हमारे तोड़ने के लिए नहीं है, हमारे चलने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप पुराना नियम पढ़े तो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में लोगों को बोला कि जो कोई व्यक्ति याजक की बात ना माने और मेरे नियम को तोड़े एक और दो और तीन साक्षियों से, ऐसे व्यक्ति को मार डाला जाए सबके बीच में। ऐसा परमेश्वर है हमारा। कोई भी पाप करते हुए पकड़ा जाता था, प्रभु का कानून और नियम तोड़ते हुए पकड़ा जाता था पुराने नियम में, तो एक या दो साक्षी तीन साक्षियों की उसे मार दिया जाता था। क्या परमेश्वर बदल गया? नहीं। लेकिन आज ग्रेस ग्रेस अनुग्रह 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 ऐसा अनुग्रह छोड़ दिया कि पाप की छुट्टी दे दी लोगों को। ग्रेस हमारे पापों के लिए नहीं है, ग्रेस हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने दी है। आज पूरा नियम बदल दिया। इतनी ग्रेस, तू पाप कर तो भी तेरे ऊपर ग्रेस है, तू व्यभिचार कर फिर भी तेरे ऊपर ग्रेस है। पढ़ो, वही परमेश्वर है, पुराने नियम का परमेश्वर बदला नहीं है। ये तो अनुग्रह हम पर हुआ, हम पापियों पे, कि यीशु ने हम पे दया की। लेकिन अब प्रभु ने मुझे बोला अनुग्रह का टाइम खत्म। परमेश्वर ने बोला अब लोग करेंगे इंस्टेंट रिजल्ट पाएंगे। प्रभु ने कहा बहुत मैंने ग्रेस ग्रेस, और लोगों ने मेरी धज्जियां उड़ा दी मेरे वचन की। पूरा पहले क्या होता था, हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को प्रभु ने कहा मेरे वचन की शिक्षा देना। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर में बाइबल नहीं पढ़ाई जाती, बेटा साइंस पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, ये पढ़ ले, पर खुदा का कानून नहीं पढ़ाया जाता। और जब हम बिगड़ जाते हैं, सब हाथ से निकल जाता है, फिर इस खुदा के पास आते हैं, ठीक कर दे, अपने नियमों में ले आ इसको। प्रभु ने कहा अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उनको बुढ़ापे तक चलना है। हालेलुया। आज हमें अपने आप को बदलना है। त्याग बलिदान कोई नहीं करना चाहता। आज हम भी ठीक है प्रभु, सब कुछ सेटल था, लाइफ सेटल थी, सारी चीजें ओके थी, सिर्फ प्रभु की खोज थी, प्रभु मिल गया था, आराम से बैठ सकते थे। नहीं, प्रभु की आवाज आई, तेरे जैसे लाखों लोग, कौन उत्तर देगा? मैंने तुझे दिया, तू उनको दे जाके। मेरे बच्चों के लिए मेरी प्लानिंग थी, इनको 12th के बाद कैनेडा सेटल कर दूंगी, यूके भेज दूंगी, द्वार ओपन थे। एक दिन प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने बोला इनको निकाल और ये करा और सेवा में दे। मेरी बचपन से एक प्लानिंग थी, इंडिया में नहीं रखना, हर भेज दूंगी, जो तकलीफें मैंने झेल ली है बच्चों को नहीं, उनको दिखाना ही नहीं है कोई तकलीफ, ऐसी मेरी योजना थी। प्रभु ने मुझसे बात की, बड़े बेटा कनाडा के लिए सब कुछ हो चुका था। रात को प्रभु कहता है, नॉन मेडिकल में था ये, बोला लॉ करा, आने वाले टाइम में मेरे लोगों को जरूरत है। एक ही रात में डिसीजन बदल दिया। 50,000 दे रखे थे मैंने टिकट के, समझ रहे बलिदान। मैं आपको बोलती हूँ लाइफ जो है ना वो प्रैक्टिकल है मसीह के साथ।
एक ही रात में डिसीजन बदला, LLB LLM करवाया उसको। ठीक है, जब टाइम आएगा परमेश्वर के कामों के लिए खड़ा हो जाना एक मिनट में। और उसके बाद प्रभु ने कहा भी इसको अनॉइंट कर, अनॉइंट किया। लाइफ में एक भी गलती, एक भी पाप लाइफ में एंटर नहीं होने दिया अपने बच्चों के। सिर्फ प्रभु दिया इनको और कुछ नहीं दिया, यीशु दिया। बोला पढ़ाई भी छोड़ दे, यूनिवर्सिटी भी छोड़ दे, सब छोड़ दे, बस यीशु को थामे रख। आज वो अपोस्टल है प्रभु की सेवा में, हजारों लाखों यूथ इनकी लाइफ को देखकर बदल रहा है। हम सिर्फ बोल नहीं रहे, खड़े होके प्रचार नहीं कर रहे, हम उस लाइफ को जीते हैं। छोटा बेटा PhD, अभी लास्ट ईयर है उसका। उसकी वाइफ PhD टॉप किया उसने, इंजीनियर है, MBA किया हुआ है। बड़ी उसकी वाइफ, सब एजुकेटेड, लेकिन आज जीने की वजह क्या है? सिर्फ यीशु। पैसा कमाना नहीं, नाम कमाना नहीं, आज जीने की वजह है सिर्फ यीशु। हालेलुया। हर वो चीज जो हमारे रास्ते में आती है, चाहे वो पैसा है, लालच है, चीजें हैं, उसको ठोकर मार के यीशु को अपने सामने रखते हैं, दुख उठाते हैं प्रभु के लिए। आप सेवा इजी नहीं है, जब आप रियल सेवा करते हो, निस्वार्थ सेवा करते हो, आसान नहीं है। शैतान को डर ही उससे लगता है। आज परमेश्वर ने हर वो ऊपर की जो चीज है हमें दी, नीचे की मांगी नहीं, कभी नहीं मांगा मैंने, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, चाहिए ही नहीं। प्रभु बाइबल में लिखा, अभागे हैं वो लोग जो इसी जीवन में परमेश्वर से आशा रखते हैं, धन्य हैं वो लोग जो अनंत काल की आशा रखते हैं प्रभु से। ये जीवन निकल जाएगा, और चिकन बिरयानी खाओ चाहे दाल रोटी खाओ, जितना जीना उतना ही जीना है, लेकिन उसके किंगडम के लिए आप क्या कर रहे हो, उसके राज्य के लिए क्या कर रहे हो। हम यहां के नहीं है, भले हम रह इस दुनिया में रहे हैं, पर प्रभु कहता है तुम स्वर्ग की नागरिकता है तुम्हारी। अगर वहां के नागरिक हैं तो वहां के किंगडम के लिए आपको कार्य करना है। आप वहां के राजदूत हैं, कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हो, प्रार्थनाएं करो लोगों के लिए, प्रार्थनाएं करो लोगों के उद्धार के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं बोलती हूं घुटने टेक के पास्टर्स के लिए प्रार्थना करो, कलीसियाओं के बढ़ने के लिए प्रार्थना करो, कुछ तो करो, कोई जिम्मेवारी तो लो परमेश्वर के राज्य की। हालेलुया। सबसे पहले यूनिटी, एकता। आज मैं देखती हूं बहुत बार, इतना एक्सपीरियंस हुआ मेरा, अरे प्रभु ये बाहर वाले लोगों में बड़ी यूनिटी होती है, हमारे मसीह लोगों में यूनिटी नहीं है। और इसी का फायदा, एक दिन दुष्ट आत्मा एक लड़की के अंदर आया, लूसीफर था, बोलता है मैं तेरे लोगों में फूट डालूंगा। बोले देख पास्टर, पास्टर लड़ेंगे आने वाले दिनों में, बोले इतना होगा एक दूसरे को मारने के लिए आएंगे। बोले जिस दिन, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं प्रार्थना करूंगी। बोले जिस दिन पास्टर एक हो गए ना, उसी दिन मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। शैतान ने बोला मुझे, मैंने बोला चल ठीक है, आज से तेरी मेरी थन गई, मैं इसी काम को करूंगी, यूनिटी के लिए काम करूंगी, और जो सबसे टफ काम है प्रभु वही मुझे करना है। मुझे इजी काम करने में अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे सबसे मुश्किल जगहों पे, सताव वाली जगहों पे प्रभु लेके जाता है। कंफर्ट कंफर्ट वाली लाइफ मेरे को ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। जब सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में सताव था, भिलाई में हमारी मीटिंग हुई थी, जहां पे लोग तलवारें लेके आ गए थे, मैंने पास्टर को बोला, बोले मैं डरना मत,
मैंने कहा मैं एक इंच नहीं हिलूंगी, तुम बिल्कुल मत डरना। मैंने कहा हम जान हथेली पे रख के जीते हैं। मैंने बोला यीशु के लिए मर जाएंगे, ये इससे बड़ा बलिदान हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसी टफ जगहों पर परमेश्वर में लेके जाता है। इसलिए याद रखे, आपको अगर चेले बनना है तो पौलुस जैसे, पत्रस जैसे, यूहन्ना जैसे बनना है। हालेलुया। आज वाले नहीं, क्या दे सकते हो प्रभु से, क्या ले सकते हो भूल जाओ। वो तो सब कुछ दे गया, जान भी दे दी उसने, सामर्थ अधिकार सब कुछ दे दिया उसने। अब तुम क्या दे सकते हो परमेश्वर को, ये सोचा करो। मैं प्रभु से पूछती थी, प्रभु मैं क्या दे, मेरे को जो भी कुछ दिखता था, बच्चे भी दे दिए, परिवार भी दे दिया, एक घर था, जब जमीन लेनी थी चर्च की, प्रभु ने बोला इसको भी दे दे, बोला ये भी ले लो, कोई बात नहीं, और प्रभु क्या चाहिए तू मुझे बता, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं प्रभु। हालेलुया। आज लोगों को लगता है हम प्रभु से क्या ले ले, मैं जितना प्रभु को देती गई प्रभु कई फोल्ड में वापस लौटाता रहा, जितना देती गई प्रभु लौटाता गया। हालेलुया। प्रभु से प्यार ये है कि आप प्रभु के लिए क्या करते हो, प्यार ये नहीं है कि तुम प्रभु मेरे लिए क्या करता है, वो तो कर चुका है, सब कुछ कर चुका है। हालेलुया। प्रभु आ रहा है बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। हमारा रोल, हमें अपना रोल प्ले करना है हर एक व्यक्ति को प्रभु के किंगडम के लिए। हमें इनाम किसी व्यक्ति से नहीं चाहिए, हमें आदर और ऑनर किसी व्यक्ति से नहीं चाहिए। प्रभु जब तुम्हारा ऑनर करेगा, प्रभु जब तुम्हारा आदर करेगा, आ मेरे विश्वास योग्य बेटे, आ मेरे विश्वास योग्य सन, प्रभु की नजर में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है, प्रचार करना बहुत ईजी है, कितनी बड़ी दुनिया के पास बाइबल है हर भाषा में, कोई भी खड़ा होके कर दो, प्रचार नहीं। आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से प्रचार करना है। अब तुम्हारे जीवन से क्या प्रचार कर सकते हो तुम, वो बताओ। हालेलुया। जिस दिन से प्रभु में आए पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा, सारे रिलेटिव सब 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 खत्म। मैंने बताया मैं एक पन्निया फैमिली से आती हूं। हमारी कौम में दो ही जगहों पे पैसा लगता है, एक घर बनाने में, एक शादी में। और इतनी शादियां किसी शादी में नहीं गई मैं, हजारों चीजें मैंने छोड़ दी, संसार छोड़ दिया। आज मेरे बच्चे हॉस्टल में थे, आपने शेरवुड कॉलेज सीएनआई का ही है वो, नैनीताल में, वहां पे इनकी एजुकेशन हुई। टेंथ के बाद प्रभु ने बोला इनको निकाल। प्रिंसिपल कहते क्या प्रॉब्लम है, मैंने बोला यीशु ने बोला है निकाल इनको। बोले 2 साल हो गए हैं टॉप करेंगे, सबसे अच्छा, इतने अच्छा खेलते हैं, अखबारों में इनके नाम आते थे। बोले फीस मत भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले इनको मत निकालो। मैंने बोला मैं एक ही किस्ती हूँ और वो है यीशु मसीह, उसके अलावा मुझे फायदा नजर नहीं आता। क्या फायदा क्या नुकसान मुझे दिखता ही कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ उसी की आवाज सुनती है और वही दिखता है। परमेश्वर के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो, हजारों चीजें। नाम बोलो कि ये सबसे मुश्किल है, मैं बोलती हूं ये भी किया। क्या छोड़ना है प्रभु, अरे प्रभु तुमसे कुछ मांगे। वो एलिया से, वो एलिया ने जब वो विधवा से एक रोटी मांगी ना और उसने दे दी, आज तक उस विधवा का सार, पता नहीं कितनी विधवाएं थी, पर सारपत की विधवा को याद किया जाता है क्योंकि अपनी रोटी एलिया को दे दी थी उसने। हालेलुया। और बाइबल कहती है पूरा काल उसको कोई घटी ना हुई। आज परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं,
और मैं चाहती हूँ वो सामर्थ सोलापुर में आए, वो अभिषेक आए और बंधन टूटे लोगों के यीशु मसीह के नाम से। मैं हैरान होती है, अरे प्रभु 12 चेलों ने दुनिया बदल दी, हम तो कितने सारे हैं, कितने सारे हैं हम, क्यों नहीं वो इफेक्ट आज हमारे जीवन में, वो प्रभाव प्रभु चाहता है। आप जानते हैं परमेश्वर चाहता है इस धरती पर एक एक जन यीशु जैसे जिए, यीशु का जीवन जिए। आपको किसी की नकल नहीं करनी, आपको यीशु जैसे बनना है। यीशु मसीह के 70 चेले यीशु मसीह के पास आए, जब यीशु मसीह बात करता था वो अधिकार से बात करता था, वो जानता था वो कौन है। बोले तेरा वचन तो बहुत कठोर है, लोगों से मीठी मीठी बातें कर, नहीं तो कल लोग भाग जाएंगे, तो लोग छोड़ो तुम भागो। 70 छोड़ के चले गए यीशु मसीह को, 12 रह गए। बोले तुम्हें भी जाना है क्या? बोले तुम भी जाओ। बोलो मैं जो करने आया हूं मैं वो मुझे पता है और मैं वो करूंगा, कोई मेरे साथ आए या ना आए मैं पिता की मर्जी को पूरा करूंगा। हालेलुया। जब आपको पता है कि आप प्रभु की मर्जी में चल रहे हो, मैंने बोला आपके साथ टिकेगा ही कोई नहीं। अगर आप रियल में प्रभु की मर्जी में चल रहे हो, सब छोड़ेंगे आपको, एक बार एक टाइम पे सब छोड़ेंगे आप। और एक टाइम आएगा जब वही लोग आपके पीछे आएंगे धीरे 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 धीरे। हालेलुया। इब्राहिम का डिसीजन अकेले था चलने का, मूसा का डिसीजन अकेले था प्रभु को खोजने का। आज आपका आपके डिसीजन सही डिसीजन, गलत डिसीजन के साथ आपके बहुत दोस्त आ जाएंगे पर सही के साथ कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चल पड़े तो मैंने बोला आप इस दुनिया में क्या स्वर्ग में भी याद किए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आज आपको एक निर्णय लेना है, पवित्रताई का निर्णय, धार्मिकता का निर्णय, प्रभु के लिए कुछ करने का निर्णय। प्रभु का राज्य बातों का नहीं है, बातों का है, कथा कहानियां सुनाने का है, प्रभु का राज्य सामर्थ का है। आपने देखी प्रभु की सामर्थ कल, हाँ? ये क्या है, ये अथॉरिटी और अधिकार जो प्रभु दे चुका है। उसके लिए एक लाइफ चाहिए, सरेंडर लाइफ प्रभु को, जिसमें अपनी कोई मर्जी नहीं आपकी, जो वो कहे वैसे आप चलो। जितने भी बड़े बड़े प्रॉफिट थे उनकी लाइफ देखो, प्रभु कहता था 6 महीने इधर को ही सोना है, 6 महीने इधर ही सोना है। क्या क्या असाइनमेंट देता था प्रभु ने। इजी नहीं होती परमेश्वर के दासों की लाइफ। आज आप जब ये चीजें आप देख रहे हैं, 6-6, 7-7 महीने हमारी फास्टिंग होती है प्रभु, 10 दिन की फास्टिंग है, प्रभु बोलता 21 दिन की कर, 21 दिन की खत्म हुई, प्रभु बोलता 40 में जा, 40 की खत्म हुई, प्रभु कहता है चल 70 की फास्टिंग कर। फिर आप अपनी नहीं सुनते, शरीर की नहीं सुनते, चक्कर आ रहे नहीं सुनते, आप कहते हो ठीक है प्रभु ओके, ये हम आपके हैं प्रभु, जब आपके हैं तो आप ही की मर्जी पूरी होगी। ये शरीर को बनाने वाला भी तू है, चलाने वाला भी तू है, जीवन और मृत्यु भी तेरे हाथ में है, जैसा तू चलाएगा चला ले। हालेलुया। और फिर परमेश्वर अपने कामों को आपके द्वारा रिलीज करता है। लोगों के हाथ कौन छू रहा था, एंजल को एक कमांड करी जाके लोगों को हाथों ऑयल से भर दिए। फिर स्वर्ग आपकी सुनता है, एंजल्स आपकी सुनते हैं, बीमारियां आपकी सुनती हैं, दुष्ट आत्माएं आपकी सुनती हैं। एक बार बोलने की देर है, चल 12, वो अथॉरिटी पहचानती है आप कौन है, आपका रैंक जानती है वो। जैसे शैतान के रैंक है ना, ऐसे मसीह में हमारे भी रैंक है। जैसे जैसे आप परीक्षाओं को पास करते हो और फेथफुलनेस को प्रभु को देते हो, प्रभु आपके रैंक बढ़ाता जाता है। हालेलुया।
उसका 10-12 हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। आज सचमुच प्रभु कहता है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। कोई शैतान किसी भी मसीह को नाश नहीं कर सकता, उसके पास इतनी पावर नहीं है। आज हमारी प्रॉब्लम है अज्ञानता। मैं आपको जितने भी पासवान हैं, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकती, लेकिन पवित्र आत्मा आपको हर समय गाइड करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए हमें अपना आत्मा दिया ताकि हो सकता अभी आप वचन सुन रहे, कुछ सीखे, लेकिन कल को फिर एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं क्या करूं। अगर हमारा संबंध पवित्र आत्मा से होगा तो पवित्र आत्मा उसी समय बताएगा कि तुझे क्या करना है। और जैसे बाइबल में लिखा है, जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो एक जगह पे पवित्र आत्मा ने उसे जाने से रोका। जब वो एशिया में जा रहा था उसने बोला नहीं। तो पवित्र आत्मा के साथ जो हमारा रिलेशन है वो इतना स्ट्रांग हो कि जब भी हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने वाले कान हमारे पास हों। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज मुर्दों में से जी उठ के दे सहित पिता के दाहिने बैठा है। हालेलुया। आज इस धरती पर काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। आज हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। यीशु देह के रूप में आज पिता के दाहिने बैठा है और बहुत जल्द वो देह सहित हमारे बीच में होगा, हमें लेने के लिए वो आ रहा है। लेकिन इस समय कलीसिया में हमारे जीवन में जो काम कर रहा है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा रिलेशन हमारा बहुत ज़रूरत है इस अंतिम समय में होना। और प्रभु चाहता है, आज हम जैसे इस वचन को पढ़ रहे हैं, इफिसियों 6 में लिखा है, इसलिए प्रभु में, किस में? प्रभु में। यहाँ पे नहीं लिखा पावर में, धन में, हाँ यहाँ पे लिखा प्रभु में और उसकी शक्ति में, उसकी सामर्थ में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। प्रभु कहता है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, किसी और लोगों से नहीं, किसी मनुष्य से हमारा युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध है अंधकार की शक्तियों से और उसमें कैटेगरी है, रैंक है। यहाँ पे क्या लिखा? 4 तरह के रैंक लिखे हैं डीमन के, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और हाकिमों से और दुष्टता की सेनाओं से है जो आकाश में है।
आज मसीह लोगों का दुश्मन कौन है? शैतान। प्रभु कहता है तुम एक युद्ध में हो। जब आप इस धरती पर हो आप एक युद्ध में हो, और आपका युद्ध किसी मनुष्य से नहीं। पास्टर आपका दुश्मन नहीं है, कलीसिया आपकी दुश्मन नहीं है, अन्य जाति लोग हमारे दुश्मन नहीं है। उनको बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हमारा दुश्मन कौन है? ये अंधकार की शक्तियां। हमारा दुश्मन कौन है जिसने पहले आदम को पाप में डाला? आपको याद रखना है, एक ज्योति है और एक अंधकार है। एक ज्योति का राज्य है, उसका किंगडम है, और एक अंधकार का किंगडम है। अंधकार के किंगडम को भी कोई चला रहा है और ज्योति के किंगडम को भी परमेश्वर चला रहा है। और आज ये किंगडम क्या कर रहा है, अंधकार का राज्य क्या कर रहा है? लोगों के जीवन में काम कर रहा है। और परमेश्वर ने इन इनसे लड़ने के लिए किसको सामर्थ्य दी है? अब पढ़ेंगे एक वचन, कुलुसियों निकालेंगे 1:15। वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। देखिए उसी में, याद रखिए यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है, क्योंकि यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर कहता है सारी प्रधानताएं, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी में सिर्जी गई और उसी के लिए है। हालेलुया। और आज वो कहाँ है? यीशु ने ये सारे अधिकार, प्रधानताएं, प्रभुताएं, ये सब किसको दिया? लिखा है वो कलीसिया का सिर है, तो वो उसकी देह के पास ये सारे अधिकार हैं। हालेलुया। सिर्फ हमें जानना है और उन्हें एक्टिवेट करना है। आज हम अपनी प्रॉब्लम के लिए रोते रहते हैं, हाय मैं बीमार हो गया, मेरा लीवर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको जानना है कि हर एक चीज के पीछे एक डिमोनिक पावर है जो आपकी लाइफ में काम कर रही है, और आपको एक पास सामर्थ है। जैसे एक व्यक्ति सामने आ गया है, आपके पास बंदूक है लेकिन फिर भी आप मर गए, हाँ, क्योंकि आपको चलानी नहीं आती। ऐसा ही कुछ आज मसीहों के साथ हो रहा है। डिमोनिक वर्ल्ड आप देखो कितना पावरफुल काम कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा? जादू टोना वालों को देखो, पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं, हाँ, ये रियल है जादू टोना, ये नहीं है कि नहीं है, वो है। अंधकार है, अंधकार के काम है, अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। हमने देखा कल कैसे दुष्ट आत्माओं को वो खेल रही थी, वो भाई वस्त्र उतार के, क्या है वो, डीमन ने कंट्रोल किया उसकी लाइफ को। आज हम मसीह लोग बस बस दुआ कर लो खाने के लिए, दुआ कर लो सोने के लिए, दुआ कर लो बस। जब तक आप एक फाइटर नहीं बनेंगे, आप एक योद्धा हैं, और आपको इनके खिलाफ प्रभु कहता है, इसीलिए उसने हमें आत्मिक हथियार दिए। आप जानते हैं जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो यही दुष्ट का आत्मा था जो आपको और मुझे चलाता था। बाइबल में लिखा है इफिसियों को ही अगर हम एक पढ़ें, उसका दूसरा चैप्टर, उसका 1:2, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है।
आज भी जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, आज भी दुष्ट आत्मा किन लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, किन मसीहों के जीवन में कार्य कर रहा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। हम जब प्रभु में नहीं थे, हम अपनी चीजों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने रीति रिवाजों के लिए इतने कमिटेड थे कि कोई चीज इधर से उधर नहीं होती थी। सुबह 4 बजे उठना है, उठना ही है। ठंडे पानी से नहाना है तो नहाना ही है। इतने कमिटेड थे हम लोग। लेकिन जब मैं मसीहत में आई तो मैंने सचमुच ये चीज देखी कि जो डेडिकेशन लोगों की, बाहर वाले लोगों की होती है, वो मसीहों की नहीं होती। वो सेवा, वो चीजें, पूरी पूरी रात मैंने एक ही चीज बोली, नहीं 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 प्रभु, इससे ज्यादा। प्रभु ने कहा जब तक तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से अधिक ना हो तो मेरे योग्य नहीं। हम तो जो नॉर्मल आज्ञाएं हैं उनको करने में भी सोचते हैं, चर्च जाना जाए कि ना जाए, छोड़ परे फिर चले जाएंगे, दशमांश दे के ना दे रहने दो। छोटी छोटी आज्ञाओं के लिए हमें सोचना पड़ता है। और आप देखो संसार के लोग, आपको याद रखना, इसीलिए अंधकार तुम पे प्रबल होता है क्योंकि तुम अपनी सामर्थ्य में खड़े नहीं हो। हमारी चर्च जब शुरू हुआ, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे अलग चाहिए, मुझे वो 2 घंटे तसल्ली नहीं होती थी, 2 घंटे में तो ऐसा लगता था आत्मा ही जागृत हुई है। मैंने बोला परमेश्वर मुझे वो चर्च चाहिए जो 24 घंटे खुला रहे और दिन और रात वहां पे दुआ बंदगी होती रहे। और मुझे प्रभु सिटी में नहीं, मुझे ऐसी जगह जंगल में देना जहां पे कोई रुकावट भी ना हो। और सचमुच प्रभु ने जंगलों में हमने जगह खरीदी वहां पर, और उसके बाद प्रभु छोटी पड़ गई, फिर परमेश्वर ने हमें तकरीबन 12 एकड़ लैंड खेतों में हम लोग गए, और आज वहां पर 24 घंटे प्रार्थना होती है बिना रुके, 24 घंटे कॉल सेंटर, 24 घंटे घुटने टिके हुए हैं। परमेश्वर मुझे वो आग चाहिए प्रभु। और जब वहां पे लोग प्रार्थना करने आते हैं, स्वर्ग खुला हुआ मिलता उनको, आंखों से दूतों को देखती है, अपनी आंखों से स्वर्गीय रैलम्स को देखती है। आज हमारी आत्मिकता मर चुकी है। हम कहने नामधारी आत्मिक है बस, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज प्रभु चाहता है हमारी आत्माएं जागृत हो, हम अपने आप को पहचाने, हम मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं। अंधकार आपसे डरता है, मत बोलो शैतान ने ऐसा किया। शैतान कहता मेरे पास कौन सी पावर है, तुम्हारे पास जो पावर है उससे मैं कांपता हूं, मेरा पूरा किंगडम कांपता है, तुम कहते हो मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि आपको फेथ है, शैतान आपकी जाइब पे काम कर सकता है तो वो करता है। हालेलुया, आपको विश्वास है कि आपके ऊपर जादू टोना चलता है तो चलता है। मैं बोला पूरी दुनिया के तांत्रिक इकट्ठे करके मेरे ऊपर जादू टोना करके दिखाओ, मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे पता है मेरे साथ कौन रहता है। हालेलुया, क्योंकि आपका फेथ, जब आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओगे, अपनी पहचान में बढ़ते जाओगे। आज परमेश्वर ने वो सारी अथॉरिटी कलीसिया को दे दी है, उसने आत्मिक हथियार हमें दिए, उसने कहा लड़ो। जब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से निकाला, प्रभु ने अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल किया उस उन्हें निकालने के लिए। पर जब कनान देना था तो प्रभु ने कहा तुम लड़ो जाके और कनान ले लो। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर ने जब हमें संसार से निकाला, हमें दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से चंगा किया, प्रभु ने अपनी सामर्थ को इस्तेमाल किया हमें मिस्र से निकालने के लिए। और प्रभु ने अब जब कनान में जाना है, प्रभु कहता है अब मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ, जाओ और खुद भी उसे लड़ो और जीतो। प्रभु ने ये नहीं दरवाजा खोल दिया, आ जाओ मेरे बच्चों कनान में, प्रभु ने लड़ना सिखाया अपने लोगों को। वो अनाकवंशी थे, पूरे 20-20 फुट के, जिनके सामने इजरायली टिड्डे के समान दिखाई देते थे, और परमेश्वर ने कहा जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। आज भी परमेश्वर कहता है तुम लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारे हथियार दिखने वाले हथियार नहीं है हमारे पास, लेकिन जो हमारे हथियार हैं वो आत्मिक हैं और वो गढ़ों को ढा देने में सामर्थ्य है। आमें, आमें। जब एक मसीह व्यक्ति अपने घुटनों पे आ जाता है, मैंने बोला स्वर्ग पूरा उसे देखना शुरू कर देता है। हालेलुया। आज संसार ने, शैतान ने हमारे परमेश्वर के सिस्टम को कॉपी कर लिया है और वो चला रहा है उस सिस्टम को, उस लॉ में काम करके वो जीत रहा है। और हम जो परमेश्वर की संतानें हैं, अज्ञानता के कारण आज नाश हो रहे हैं। आज परमेश्वर, प्रभु तो पावरफुल है पर उसके बच्चे का कैसे है? पूरी पूरी रात प्रार्थनाओं में पावर क्यों नहीं आएगी, सामर्थ क्यों नहीं? आज आप जानते हैं परमेश्वर ने अपने अधिकार कलीसिया को दे दिए हैं और वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है। यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने वो सामर्थ को चेलों पे फूंक दिया। उसने कहा लो पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा का अभिषेक जो यीशु के ऊपर था वो चेलों के ऊपर चला गया। आगे चेलों ने चेले बनाए, आगे चेलों ने चेले बनाए और वही अभिषेक में वो लोग काम करते रहे। और यीशु की सेवकाई क्या थी? उसने कहा वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, बीमारों को चंगा करता था और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता था। हालेलुया। आज संसार को कौन छुड़ाएगा? संसार उस दुष्ट के बंधनों में है, कौन उसे निकालेगा? प्रभु ने वो अधिकार आपको और मुझे दिए, प्रभु के सेवकों को प्रभु ने वो अधिकार दिए हैं। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं शुरुआत के दौर में एक कलीसिया में जाती थी, और मैं नाम नहीं लूंगी, और वहां पर प्रार्थना होती थी 12:30 बजे चर्च खत्म हो जाता था, और मैंने कभी प्रभु के उन कामों को नहीं देखा था। जब मैं बाइबल पढ़ती थी तो मैंने बोला प्रभु ये सब चीजें और अब क्यों नहीं होता ऐसा? वहां पर एक लड़की आई, उस लड़की के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी और उसने कुर्सियां उठा के सब फेंक दिया। और जब भी वो लड़की आती बहुत हल्ला करती थी, और थोड़े दिनों बाद उस लड़की को चर्च से निकाल दिया गया और सारी कलीसिया को बोल दिया उसके साथ कोई संबंध ना रखे, और उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया कि ये लड़की वेश्यावृत्ति करती है या गलत काम करती है, तो इससे कलीसिया को दूर रहना है। मेरा हृदय टूट गया, मैं रोने लगी। मैंने बोला उसको प्रभु मदद चाहिए थी, तो क्या हुआ वो पापी है, तू भी तो वेश्याओं के पास जाता था, प्रभु उसको पाप वाली मदद भी चाहिए थी और दुष्ट आत्मा की निकलने की भी मदद चाहिए थी, लेकिन उस व्यक्ति को दोषी ठहरा के कलीसिया से निकाल दिया गया। मेरा हार्ट टूट गया। मैंने कहा प्रभु तू कुछ कर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। प्रभु मुझे वही चर्च चाहिए जो तू काम करता था। जैसे हृदय में पेन से भर गया, ऐसे बहुत सारी चीजें में जब मैंने देखी, मैंने कहा प्रभु मुझे फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया चाहिए
प्रभु मुझे बीच की कोई नहीं, प्रभु मुझे वही कलीसिया चाहिए जहाँ पे तेरे चेले प्रभु तेरी रीति से काम करते थे परमेश्वर, और मुझे वही करना है। और पहले दिन मैं आपको सच बता रही हूं, मुझे सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। फर्स्ट डे जब प्रभु ने कहा क्या करूं प्रभु ये कर, एक व्यक्ति चर्च में आया पैरालिसिस का रोगी, फर्स्ट व्यक्ति, कोई क्रिश्चियन नहीं था मेरे चर्च में, आज भी नहीं है। सब अन्य जाति लोगों से परमेश्वर ने लोगों को लेकर आया प्रभु, एक व्यक्ति प्रभु ने उसे हील किया। दूसरा आया, दुष्ट आत्माएं फर्स्ट डे से, पहले दिन से इतने बड़े बड़ी दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं ब्लड निकाल देती थी लोगों की, और मैं अकेली थी, कोई टीम नहीं, कोई कुछ नहीं, फर्स्ट डे से। पर मुझे इतना पता था कि प्रभु ने नियुक्त कर दिया है उन कामों को करने के लिए। हालेलुया, आमीन। मुझे याद नहीं लाखों करोड़ों दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकाल चुके हैं, लाखों लोग हील हो चुके हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने पिछले साल मुझे बोला, ये सामर्थ पूरे इंडिया में सभी पास्टर के ऊपर तू रिलीज करेगी। हालेलुया। और मुझे दया आती थी, मैंने बोला ठीक है प्रभु, यहाँ तो काम हो रहा है, महाराष्ट्र भी है, वहां भी है, सब लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं, परमेश्वर तू वहां पे खड़े कर। प्रभु ने कहा तू जा और यही सामर्थ जो तेरे अंदर है फूंक के आ, आज वो काम उन कलीसियाओं में होंगे। और ऐसा ही हुआ, जब हम गुजरात में गए, भाई बोला जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग कराई, बोले हमारी चर्च 12 बजे खत्म हो जाती थी, कहते जिस संडे हम लोग वापस आए, बोले उस संडे हमारे लोग आत्मा में भर गए और 3 बजे तक अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं, किसी को होश नहीं है, आत्मा की बेदारी उन जगहों पर आ गई। हालेलुया, आमीन। बोले 3:30 बज गए, चर्च बंद करने कोई नहीं हो रहा, आज छोटे छोटे बच्चे आत्मा में भर के अन्य भाषा बोल रहे हैं, और वो बेदारी आज लोग आत्मिक भूखे और प्यासे हो गए। अब एक और, जब हम पैतलात में गए, ये भाई वहीं से है, वो जिस ऑर्गेनाइजर ने वो मीटिंग करवाई थी, एक मीटिंग ली अन्य जातियों की, उन्होंने लास्ट डे हमने सब के सब चेंज हुए वहां पर। Jesus. और एक ऐसी बेदारी, बोले प्रार्थना नहीं कर पाते थे हम, बोले अभी 1 साल से ज्यादा हो चुका है, बोले कंटिन्यू हमारे प्रेयर चल रही है। Amen. रोज हमारे घर में प्रेयर शुरू हो गई, बोले सारे मन मुटाव दूर हो गए, अब परमेश्वर ऐसी सामर्थ। और उस मीटिंग में जितनी भी संस्थाएं के लोग थे, कैथलिक, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, हर संस्था के लोग उस जगह पे आए हुए थे, और सबके ऊपर पवित्र आत्मा का फ्लो आया। आमीन। अब टाइम है पवित्र आत्मा का, अब टाइम है पवित्र आत्मा के काम का। वही फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया अब दोबारा से परमेश्वर, प्रभु ने क्या बोला था, जैसे मैं छोड़ के गया था उसी कलीसिया को मैं लेने आ रहा हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर से वही कलीसिया जो पवित्र आत्मा से भरी हुई है, जो प्रार्थना में लौलीन है, जो परमेश्वर के कामों के लिए उत्साहित है, जो परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार है, प्रभु उसी कलीसिया को लेने दोबारा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बेदारी पवित्र आत्मा की अब पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर लेके आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप देखेंगे आने वाले दिनों में हजारों जवान खड़े होंगे परमेश्वर के कामों के लिए। हमें डर नहीं, काम आप सोचो एक ही व्यक्ति कार्य कैसे कर सकता है। जब आप उस सामर्थ्य को दूसरे को दोगे, फिर वो दूसरे के ऊपर पास जाएगी, परमेश्वर का काम बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आज हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, प्रभु आज कह रहा है। एक वचन और निकालेंगे, यूहन्ना 14:21।
यूहन्ना 14 उसका 21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। हमारे आई लव यू जीसस कहने से आई लव यू नहीं हो जाता, मुंह से बोलने से, गाना गाने से नहीं हो जाता सिर्फ। फिर आप अपने शरीर को रोज मारते कूटते हो और वश में लेके आते हो कि दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मे ना ठहरो। आपको पता है क्या करना है, फिर आप अपनी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलते। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है और मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आप जानते हैं जितना आप चाहते हैं ना यीशु को देखना, उससे ज्यादा वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है आपके ऊपर। लेकिन कब प्रकट करेगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आज हमारा व्यभिचार हमसे छूटता नहीं, हम यीशु का दर्शन पाना चाहते हैं। गंदी मूवी देख रहे हैं और इन्हीं आंखों से यीशु को देखना चाहते हैं। पाप हमसे छूटता नहीं है और हम कहते हैं प्रभु अलौकिक चाहिए तो इस शरीर को, आपको अपने आप को शुद्ध करना है। प्रभु की आज्ञाओं को 23 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हमेशा रहेंगे हम उसके साथ जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आपको सोचना नहीं पड़ता। मैंने अपने जीवन में एक ही असूल बनाया, कोई मेरे बारे में क्या सोचे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है। मेरा ध्यान इसी में रहता है, प्रभु तेरी आज्ञाओं में चल रहे हैं। एक ही चीज खुद सीखी और अपने बच्चों को सिखाई, अपनी कलीसिया को सिखाई, किसी की परवाह मत करो, उसकी परवाह करो। अगर फर्क पड़ना चाहिए तुम्हें तो परमेश्वर तुमसे खुश है, प्रभु को तुम्हारा जीवन भाता है कि नहीं भाता। हालेलुया। आज पूरी दुनिया को मनाने में लगे हुए हैं और परमेश्वर हमसे रूठा हुआ है। आज परमेश्वर चाहता है प्रभु को भाने वाला जीवन। सिर्फ नामधारी हमें मसीह नहीं बनना, क्या प्रभु मुझसे खुश है? बाइबल कहती है परमेश्वर अपनों को पहचानता है। अंधकार एक शक्ति है, इसलिए हमें परमेश्वर की शक्ति में बलवंत होना है, तभी हम अंधकार से लड़ सकते हैं। आज हर मसीह, हर सेवक एक युद्ध में है, आप विश्वास करें या ना करें। ये पूरे संसार का जो सिस्टम है उसे शैतान ने कंट्रोल किया हुआ है, और हम जब इस दुनिया में रह रहे हैं तो ये सारा सिस्टम, सारी चीजें आपके विरोध में है, है कि नहीं? हाँ, कौन आपके साथ है संसार में? बोलो, संसार का सिस्टम, संसार की सरकार है, संसार की कौन सी चीज हमारे साथ एग्री होती है? कोई नहीं। संसार का लॉ आपके इसके साथ कोई एग्री नहीं होता। इसके साथ सिर्फ परमेश्वर की आत्मा में चलने वाले लोग एग्री होंगे। इसलिए प्रभु ने कहा संसार तुम्हारा नहीं है। संसार का लॉ कहता है बच्चा गिरा दो, प्रभु का लॉ कहता है ये हत्या है। मैं बता रही थी, मैंने आज का लॉ क्या बन गया है, लड़की की उम्र कर दो 21 साल शादी की, और 16 साल की लड़की रिलेशन में जा सकती है और बच्चा गिरा सकती है, ये दुनिया का लॉ बन गया है। कौन सा मानोगे? बोलो, अगर तुम खुदा के बंदे हो तो तुम कौन से लॉ को फॉलो करोगे?
परमेश्वर के लॉ को फॉलो करोगे। परमेश्वर ने एक औरत एक आदमी बनाया शादी के लिए, आज लड़की लड़की शादी हो रही, लड़के लड़के शादी हो रहे हैं और लीगल सरकार उनको बोल रही है हम हेल्प करेंगे तुम्हारी। कौन से लॉ को मानोगे? संसार का सिस्टम कभी आपके साथ एग्री हो ही नहीं सकता। इसलिए याद रखिए, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर का लॉ पे हमें बना रहना, उसके कानून उसके नियम आपके लिए और मेरे लिए हैं, हमारे तोड़ने के लिए नहीं है, हमारे चलने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप पुराना नियम पढ़े तो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में लोगों को बोला कि जो कोई व्यक्ति याजक की बात ना माने और मेरे नियम को तोड़े एक और दो और तीन साक्षियों से, ऐसे व्यक्ति को मार डाला जाए सबके बीच में। ऐसा परमेश्वर है हमारा। कोई भी पाप करते हुए पकड़ा जाता था, प्रभु का कानून और नियम तोड़ते हुए पकड़ा जाता था पुराने नियम में, तो एक या दो साक्षी तीन साक्षियों की उसे मार दिया जाता था। क्या परमेश्वर बदल गया? नहीं। लेकिन आज ग्रेस ग्रेस अनुग्रह 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 ऐसा अनुग्रह छोड़ दिया कि पाप की छुट्टी दे दी लोगों को। ग्रेस हमारे पापों के लिए नहीं है, ग्रेस हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने दी है। आज पूरा नियम बदल दिया। इतनी ग्रेस, तू पाप कर तो भी तेरे ऊपर ग्रेस है, तू व्यभिचार कर फिर भी तेरे ऊपर ग्रेस है। पढ़ो, वही परमेश्वर है, पुराने नियम का परमेश्वर बदला नहीं है। ये तो अनुग्रह हम पर हुआ, हम पापियों पे, कि यीशु ने हम पे दया की। लेकिन अब प्रभु ने मुझे बोला अनुग्रह का टाइम खत्म। परमेश्वर ने बोला अब लोग करेंगे इंस्टेंट रिजल्ट पाएंगे। प्रभु ने कहा बहुत मैंने ग्रेस ग्रेस, और लोगों ने मेरी धज्जियां उड़ा दी मेरे वचन की। पहले क्या होता था, हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को प्रभु ने कहा मेरे वचन की शिक्षा देना। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर में बाइबल नहीं पढ़ाई जाती, बेटा साइंस पढ़ ले, मैथ पढ़ ले, ये पढ़ ले, पर खुदा का कानून नहीं पढ़ाया जाता। और जब हम बिगड़ जाते हैं, सब हाथ से निकल जाता है, फिर इस खुदा के पास आते हैं, ठीक कर दे, अपने नियमों में ले आ इसको। प्रभु ने कहा अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उनको बुढ़ापे तक चलना है। हालेलुया। आज हमें अपने आप को बदलना है। त्याग बलिदान कोई नहीं करना चाहता। आज हम भी ठीक है प्रभु, सब कुछ सेटल था, लाइफ सेटल थी, सारी चीजें ओके थी, सिर्फ प्रभु की खोज थी, प्रभु मिल गया था, आराम से बैठ सकते थे। नहीं, प्रभु की आवाज आई, तेरे जैसे लाखों लोग, कौन उत्तर देगा, मैंने तुझे दिया तू उनको दे जाके। मेरे बच्चों के लिए मेरी प्लानिंग थी, इनको 12th के बाद कनाडा सेटल कर दूंगी, यूके भेज दूंगी, द्वार ओपन थे। एक दिन प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने बोला इनको निकाल और ये करा और सेवा में दे। मेरी बचपन से एक प्लानिंग थी, अगर इंडिया में नहीं रखना, बाहर भेज दूंगी। जो तकलीफें मैंने झेल ली है बच्चों को नहीं, उनको दिखाना ही नहीं है कोई तकलीफ, ऐसी मेरी योजना थी। प्रभु ने मुझसे बात की, बड़े बेटा कनाडा के लिए सब कुछ हो चुका था। रात को प्रभु कहता है, नॉन मेडिकल में था ये, बोला लॉ करा, आने वाले टाइम में मेरे लोगों को जरूरत है। एक ही रात में डिसीजन बदल दिया। 50,000 दे रखे थे मैंने टिकट के, समझ रहे, बलिदान। मैं आपको बोलती हूँ, लाइफ जो है ना वो प्रैक्टिकल है मसीह के साथ। एक ही रात में डिसीजन बदला, LLB LLM करवाया उसको, ठीक है जब टाइम आएगा परमेश्वर के कामों के लिए खड़ा हो जाना एक मिनट में। और उसके बाद प्रभु ने कहा अभी इसको अनॉइंट कर,
अनॉइंट किया, लाइफ में एक भी गलती, एक भी पाप लाइफ में एंटर नहीं होने दिया अपने बच्चों के। सिर्फ प्रभु दिया इनको और कुछ नहीं दिया, यीशु दिया। बोला पढ़ाई भी छोड़ दे, यूनिवर्सिटी भी छोड़ दे, सब छोड़ दे, बस यीशु को थामे रख। आज वो अपोस्टल है प्रभु की सेवा में, हजारों लाखों यूथ इनकी लाइफ को देखकर बदल रहा है। हम सिर्फ बोल नहीं रहे, खड़े होके प्रचार नहीं कर रहे, हम उस लाइफ को जीते हैं। छोटा बेटा पीएचडी, अभी लास्ट ईयर है उसका, उसकी वाइफ पीएचडी टॉप किया, उसने इंजीनियर है, एमबीए किया हुआ है, पढ़ी उसकी वाइफ, सब एजुकेटेड, लेकिन आज जीने की वजह क्या है? सिर्फ यीशु। पैसा कमाना नहीं, नाम कमाना नहीं, आज जीने की वजह है सिर्फ यीशु। हालेलुया। हर वो चीज जो हमारे रास्ते में आती है, चाहे वो पैसा है, लालच है, चीजें हैं, उसको ठोकर मार के यीशु को अपने सामने रखते हैं, दुख उठाते हैं प्रभु के लिए। आप सेवा इजी नहीं है, जब आप रियल सेवा करते हो, निस्वार्थ सेवा करते हो, आसान नहीं है। शैतान को डर ही उसी से लगता है। आज परमेश्वर ने हर वो ऊपर की जो चीज है हमें दी, नीचे की मांगी नहीं, कभी कभी नहीं मांगा मैंने, प्रभु ये कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, चाहिए ही नहीं। प्रभु बाइबल में लिखा, अभागे हैं वो लोग जो इसी जीवन में परमेश्वर से आशा रखते हैं, धन्य हैं वो लोग जो अनंत काल की आशा रखते हैं प्रभु से। ये जीवन निकल जाएगा, और चिकन बिरयानी खाओ चाहे दाल रोटी खाओ, जितना जीना उतना ही जीना है, लेकिन उसके किंगडम के लिए आप क्या कर रहे हो, उसके राज्य के लिए क्या कर रहे हो। हम यहां के नहीं है, भले हम रहे इस दुनिया में रहे हैं, पर प्रभु कहता है तुम स्वर्ग की नागरिकता है तुम्हारी। अगर वहां के नागरिक हैं तो वहां के किंगडम के लिए आपको कार्य करना है, आप वहां के राजदूत हैं। कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हो, प्रार्थनाएं करो लोगों के लिए, प्रार्थनाएं करो लोगों के उद्धार के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं बोलती हूं घुटने टेक के पास्टर्स के लिए प्रार्थना करो, कलीसियाओं के बढ़ने के लिए प्रार्थना करो, कुछ तो करो, कोई जिम्मेवारी तो लो परमेश्वर के राज्य की। हालेलुया। सबसे पहले यूनिटी, एकता। आज मैं देखती हूं बहुत बार, इतना एक्सपीरियंस हुआ मेरा, अरे प्रभु ये बाहर वाले लोगों में बड़ी यूनिटी होती है, हमारे मसीह लोगों में यूनिटी नहीं है। और इसी का फायदा, एक दिन दुष्ट आत्मा एक लड़की के अंदर आया, लूसीफर था, बोलता है मैं तेरे लोगों में फूट डालूंगा। बोले देख पास्टर, पास्टर लड़ेंगे आने वाले दिनों में। बोले इतना होगा एक दूसरे को मारने के लिए आएंगे। बोले जिस दिन, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं प्रार्थना करूंगी। बोले जिस दिन पास्टर एक हो गए ना, उसी दिन मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। शैतान ने बोला मुझे, मैंने बोला चल ठीक है, आज से तेरी मेरी ठन गई, मैं इसी काम को करूंगी, यूनिटी के लिए काम करूंगी, और जो सबसे टफ काम है प्रभु वही मुझे करना है। मुझे इजी काम करने में अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे सबसे मुश्किल जगहों पे, सताव वाली जगहों पे प्रभु लेके जाता है। कंफर्ट कंफर्ट वाली लाइफ मेरे को ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। जब सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में सताव था, भिलाई में हमारी मीटिंग हुई थी, जहां पे लोग तलवारें लेके आ गए थे। मैंने पास्टर को बोला, बोले मैं डरना मत, मैंने कहा मैं एक इंच नहीं हिलूंगी, तुम बिल्कुल मत डरना। मैंने कहा हम जान हथेली पे रख के जीते हैं। मैंने बोला यीशु के लिए मर जाएंगे, ये इससे बड़ा बलिदान हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसी टफ जगहों पर परमेश्वर में लेके जाता है। इसलिए याद रखें,
आपको अगर चेले बनना है तो पौलुस जैसे, पत्रस जैसे, यूहन्ना जैसे बनना है। हालेलुया। आज वाले नहीं, क्या दे सकते हो प्रभु से, क्या ले सकते हो भूल जाओ। वो तो सब कुछ दे गया, जान भी दे दी उसने, सामर्थ अधिकार सब कुछ दे दिया उसने। अब तुम क्या दे सकते हो परमेश्वर को, ये सोचा करो। मैं प्रभु से पूछती थी, प्रभु मैं क्या दे, मेरे को जो भी कुछ दिखता था, बच्चे भी दे दिए, परिवार भी दे दिया, एक घर था, जब जमीन लेनी थी चर्च की, प्रभु ने बोला इसको भी दे दे, बोला ये भी ले लो, कोई बात नहीं, और प्रभु क्या चाहिए तू मुझे बता, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं प्रभु। हालेलुया। आज लोगों को लगता है हम प्रभु से क्या ले ले, मैं जितना प्रभु को देती गई प्रभु कई फोल्ड में वापस लौटाता रहा, जितना देती गई प्रभु लौटाता गया। हालेलुया। प्रभु से प्यार ये है कि आप प्रभु के लिए क्या करते हो, प्यार ये नहीं है कि तुम प्रभु मेरे लिए क्या करता है, वो तो कर चुका है, सब कुछ कर चुका है। हालेलुया। प्रभु आ रहा है बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। हमारा रोल, हमें अपना रोल प्ले करना है हर एक व्यक्ति को प्रभु के किंगडम के लिए। हमें इनाम किसी व्यक्ति से नहीं चाहिए, हमें आदर और ऑनर किसी व्यक्ति से नहीं चाहिए। प्रभु जब तुम्हारा ऑनर करेगा, प्रभु जब तुम्हारा आदर करेगा, आ मेरे विश्वास योग्य बेटे, आ मेरे विश्वास योग्य सन, प्रभु की नजर में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है, प्रचार करना बहुत ईजी है, कितनी बड़ी दुनिया के पास बाइबल है हर भाषा में, कोई भी खड़ा होके कर दो, प्रचार नहीं, आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से प्रचार करना है। अब तुम्हारे जीवन से क्या प्रचार कर सकते हो तुम, वो बताओ। हालेलुया। जिस से प्रभु में आए पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा, सारे रिलेटिव सब 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 खत्म। मैंने बताया मैं एक पन्निया फैमिली से आती हूं, हमारी कौम में दो ही जगहों पे पैसा लगता है, एक घर बनाने में, एक शादी में। और इतनी शादियां, किसी शादी में नहीं गई मैं, हजारों चीजें मैंने छोड़ दी, संसार छोड़ दिया। आज मेरे बच्चे हॉस्टल भेज दिए, आपने शेरवुड कॉलेज सीएनआई का ही है वो नैनीताल में, वहां पे इनकी एजुकेशन हुई। टेंथ के बाद प्रभु ने बोला इनको निकाल, प्रिंसिपल कहते क्या प्रॉब्लम है, मैंने बोला यीशु ने बोला है निकाल इनको, बोले 2 साल हो गए हैं टॉप करेंगे, सबसे अच्छा, इतने अच्छा खेलते हैं, अखबारों में इनके नाम आते थे, बोले फीस मत भरो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले इनको मत निकालो। मैंने बोला मैं एक ही किस्ती हूँ और वो है यीशु मसीह, उसके अलावा मुझे फायदा नजर नहीं आता, क्या फायदा क्या नुकसान मुझे दिखता ही कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ उसी की आवाज सुनती है और वही दिखता है। परमेश्वर के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो, हजारों चीजें, नाम बोलो कि ये सबसे मुश्किल है, मैं बोलती हूं ये भी किया, क्या छोड़ना है प्रभु। अरे प्रभु तुमसे कुछ मांगे, वो एलिया से, वो एलिया ने जब वो विधवा से एक रोटी मांगी ना और उसने दे दी, आज तक उस विधवा का सार, पता नहीं कितनी विधवाएं थी, पर सारपत्र की विधवा को याद किया जाता है क्योंकि अपनी रोटी एलिया को दे दी थी उसने। हालेलुया। और बाइबल कहती है पूरा काल उसको कोई घटी ना हुई। आज परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं, और मैं चाहती हूं वो सामर्थ सोलापुर में आए, वो अभिषेक आए और बंधन टूटे लोगों के यीशु मसीह के नाम से। मैं हैरान होती है, अरे प्रभु 12 चेलों ने दुनिया बदल दी, हम तो कितने सारे हैं, कितने सारे हैं हम,
क्यों नहीं वो इफेक्ट आज हमारे जीवन में, वो प्रभाव प्रभु चाहता है। आप जानते हैं परमेश्वर चाहता है इस धरती पर एक एक जन यीशु जैसे जिए, यीशु का जीवन जिए। आपको किसी की नकल नहीं करनी, आपको यीशु जैसे बनना है। यीशु मसीह के 70 चेले यीशु मसीह के पास आए। जब यीशु मसीह बात करता था, वो अधिकार से बात करता था, वो जानता था वो कौन है। बोले तेरा वचन तो बहुत कठोर है, लोगों से मीठी मीठी बातें कर, नहीं तो कल लोग भाग जाएंगे। तो लोग छोड़ो, तुम भागो। 70 छोड़ के चले गए यीशु मसीह को, 12 रह गए। बोले तुम्हें भी जाना है क्या? बोले तुम भी जाओ। बोलो मैं जो करने आया हूं, मैं वो मुझे पता है और मैं वो करूंगा, कोई मेरे साथ आए या ना आए, मैं पिता की मर्जी को पूरा करूंगा। हालेलुया। जब आपको पता है कि आप प्रभु की मर्जी में चल रहे हो, मैंने बोला आपके साथ टिकेगा ही कोई नहीं। अगर आप रियल में प्रभु की मर्जी में चल रहे हो, सब छोड़ेंगे आपको। एक बार, एक टाइम पे सब छोड़ेंगे आप, और एक टाइम आएगा जब वही लोग आपके पीछे आएंगे धीरे 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 धीरे। हालेलुया। इब्राहिम का डिसीजन अकेले था चलने का, मूसा का डिसीजन अकेले था प्रभु को खोजने का। आज आपका आपके डिसीजन सही डिसीजन, गलत डिसीजन के साथ आपके बहुत दोस्त आ जाएंगे, पर सही के साथ कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चल पड़े, तो मैंने बोला आप इस दुनिया में क्या स्वर्ग में भी याद किए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आज आपको एक निर्णय लेना है, पवित्रता का निर्णय, धार्मिकता का निर्णय, प्रभु के लिए कुछ करने का निर्णय। प्रभु का राज्य बातों का नहीं है, बातों का है, कथा कहानियां सुनाने का है। प्रभु का राज्य सामर्थ का है। आपने देखी प्रभु की सामर्थ कल, ये क्या है? ये अथॉरिटी और अधिकार जो प्रभु दे चुका है, उसके लिए एक लाइफ चाहिए, सरेंडर लाइफ प्रभु को, जिसमें अपनी कोई मर्जी नहीं आपकी, जो वो कहे वैसे आप चलो। जितने भी बड़े बड़े प्रॉफिट थे उनकी लाइफ देखो, प्रभु कहता था 6 महीने इधर को ही सोना है, 6 महीने इधर ही सोना है। क्या क्या असाइनमेंट देता था प्रभु ने। इजी नहीं होती परमेश्वर के दासों की लाइफ। आज आप जब ये चीजें आप देख रहे हैं, 6-6, 7-7 महीने हमारी फास्टिंग होती है। प्रभु 10 दिन की फास्टिंग है, प्रभु बोलता 21 दिन की कर, 21 दिन की खत्म हुई, प्रभु बोलता 40 में जा, 40 की खत्म हुई, प्रभु कहता है चल 70 की फास्टिंग कर। फिर आप अपनी नहीं सुनते, शरीर की नहीं सुनते, चक्कर आ रहे नहीं सुनते, आप कहते हो ठीक है प्रभु, ओके, ये हम आपके हैं प्रभु, जब आपके हैं तो आप ही की मर्जी पूरी होगी। ये शरीर को बनाने वाला भी तू है, चलाने वाला भी तू है, जीवन और मृत्यु भी तेरे हाथ में है, जैसा तू चलाएगा चला ले। हालेलुया। और फिर परमेश्वर अपने कामों को आपके द्वारा रिलीज करता है। लोगों के हाथ कौन छू रहा था? एंजल को एक कमांड करी, जाके लोगों को हाथों ऑयल से भर दिए। फिर स्वर्ग आपकी सुनता है, एंजल्स आपकी सुनते हैं, बीमारियां आपकी सुनती हैं, दुष्टात्माएं आपकी सुनती हैं। एक बार बोलने की देर है, चल 12। वो अथॉरिटी पहचानती है आप कौन है, आपका रैंक जानती है वो। जैसे शैतान के रैंक है ना, ऐसे मसीह में हमारे भी रैंक है। जैसे जैसे आप परीक्षाओं को पास करते हो और फेथफुलनेस को प्रभु को देते हो, प्रभु आपके रैंक बढ़ाता जाता है। हालेलुया।